गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैया बिड़ा बादिनी अयो हंस सजाई, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। राम नाम लेते रहो और धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सार हैं कृपा सिंधु रघुवीर। आदर मेरे भगवत बंधु, मेरी माता बहनो, मेरे संत समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए यहाँ के लता पताओं पर विराजमान देवी व देवता सभी 33 कोट के मैया दुर्गे भोलेनाथ बाबा बजरंगबली को नमस्कार करते हुए आप सबके लिए आगे कथा के प्रसंग को बढ़ाते हुए आज ये तीसरा दिवस है। आइए मेरे साथ मिलकर के 2 मिनट हरि कीर्तन सभी बोलेंगे प्रेम से, भगवान के चरणों में ध्यान करें, माया मोह से परे होकर के। कि श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। अपने बस
सनातन धर्म की, संत समाज की, दुर्गे मैया की, बजरंग बली की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद आपसे जुड़ जाएगा। जो जो परीक्षित महाराज जी ने सवाल किया है तो श्री सुखदेव जी ने उन्हें वह उत्तर दे करके और उनको प्रसन्न किया है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस राजा परीक्षित के लिए मोक्ष दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई थी, वो भी साथ जो कि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ था उनको, और तक्षक नाम महाराज परीक्षित को सातवें दिन धसने के लिए आया। तो सात दिन में मोक्ष प्रदान करने के लिए बड़े बड़े संतों को उन्होंने आमंत्रित किया, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए। तब अचानक से श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सभी संतों ने सुखदेव जी जो बाल अवस्था में ही आए थे तो उन्हें भगवान स्वरूप मान करके सबने उनका स्वागत किया, उन्हें दंडवत किया। बोलो सुखदेव भगवान की। गौर कीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराने का वीणा उठाया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री सुखदेव जी ने कहा जय हो, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप ऋषि व कला नाम के पुत्र व पुत्री पैदा हुए। गौर कीजिए राजन परीक्षित, ध्यान दीजिएगा, उनके अनेक संतान हुई और स्वभाव मनु की संतान का हाल मैं कहने के लिए जा रहा हूं, उसे ध्यान दे करके श्रवण करें। स्वभाव मनु और महाराज के देवाहुति आदि तीन कन्या उत्पन्न हुई। हे राजन परीक्षित, गौर कीजिएगा, उत्तानपाद व प्रियव्रत दो नाम के बेटा हुए। देवाहुति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ में किया गया, जिनके गर्भ से कपिल मुनि भगवान का अवतार हुआ, जो अभी आप पिछले स्कंद में इस कथा को श्रवण कर चुके हैं। अन्य दो बेटियों का हाल श्रवण कराता हूं, जिसे ध्यान से श्रवण करें कि एक कन्या का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दूसरी जो उनकी पुत्री थी जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, इसी से संसारी जीवों की उत्पन्नी हुई। और हे राजन परीक्षित, जो बड़ी कन्या राजा दक्ष को विवाही थी उनके गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए, 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था जो सती, जो भोले बाबा के लिए विवाही थी। 60 कन्या राजा दक्ष की, 27 कन्या चंद्रमा के लिए विवाही थी, बाकी जो कन्या थी वो 33 कोटि के देवताओं के लिए विवाही थी। अब जो भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ सती जी का, सती जी का हाल में विस्तार पूर्वक आपको श्रवण कराता हूं, उसे ध्यान से सभी श्रवण कर। एक समय की बात, राजन परीक्षित
कैलाश पर भोलेनाथ निवास करते हैं और सती जी उनके बगल बैठी उनकी प्रतीक्षा करते कि कब मेरे स्वामी के नेत्र खुले और कब मैं उनसे अपने मन की बात कहूं और उनके मन की बात को मैं श्रवण करूं। जय हो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, हर नारी का यही उद्देश्य होता है कि जब उनका पति कहीं बाहर चला जाए ड्यूटी नौकरी करने के लिए, पत्नी साथ न हो, घर पे पत्नी है, तो जो बच्चों से स्नेह और प्रेम होता है उससे कहीं बढ़कर के पति के चरणों में उनका स्नेह होता है। तो हर वक्त भगवान से प्रार्थना यही करती रहती है कि प्रभु मेरे स्वामी घर पे सुख शांति से और खुशहाल लौट, जो कि मैं उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। इसी तरह हे राजन परिषद, सती जी बगल बैठी हैं भोलेनाथ के और भोलेनाथ समाधि में खोए हैं, तो उनकी प्रतीक्षा में थी कि कब मेरे स्वामी के नेत्र खुले। लेकिन हे राजन परिषद ध्यान दीजिएगा, उस समय भोलेनाथ भगवान हरि के चरणों में ध्यान लगा करके, क्यों जो विष्णु जी थे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हे राजन परिषद इनके अलग अलग शरीर हैं, इन तीनों के अलग अलग शरीर हैं लेकिन आत्मा एक है इनकी। जब ही तो इनका नाम जुड़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस समय हे राजन परिषद वो वही के समाधि लगाए देख रहे थे, त्रेता युग की बात गौर कीजिए कि पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ, उन्हें खोजने के लिए राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, वृक्षों से वन के जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी जनक नंदिनी को देखा क्या। हे माताओं बहनों मेरे भाइयों, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शांति का रूप धारण करो इन बच्चों को। तो भोलेनाथ के वो इष्टदेव थे जो विष्णु जी का अवतार है श्री राम, उनको अपने हृदय में बसा के उन्हीं का रात और दिन जाप करते हैं, छह छह महीना की समाधि लगा जाती है। तो जब राम के ऊपर यह संकट घोर पड़ा था, उनकी पत्नी का हरण हो गया था, वन वन भटक रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी, तो भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ और कहते हैं हे प्रभु राम राम राम, आज मेरे प्रभु पे मेरे इष्ट देव पे कैसा महाघोर संकट पड़ा है। और सती जी बगल में बैठी ये श्रवण कर रही थी उनकी और भोले बाबा आश्चर्य कर रहे थे। सती जी मन में सोच रही हैं कि मेरे स्वामी तीन लोक के नाथ हैं, इन्हें संसार त्रिलोकी कहता है और इनके वो इष्ट देव हैं विष्णु जी जो राम अवतार मानुज लीला खेलने के लिए मनुज तान रूप धारण किया है, उनको अपने हृदय में बसा करके ये उनकी ही जाप कर ये समाधि लगा जाती है। सती जी सोच रही है, अब भोले बाबा सती जी के अंदर की बात को जान रहे हैं, ध्यान दीजिए। तब सती जी ने मन में ये विचार किया राजन परिषद कि अब मुझे इनके जो इष्ट देव है इनके लिए छह छह महीना की ये समाधि लगा जाते हैं, तो उनकी मुझे अब परीक्षा लेनी चाहिए। ये सती जी ने अपने मन में बात ठान ली भगवान राम की परीक्षा लेने की और भोले बाबा ने उनकी मन की बात को जान लिया। तो हे राजन परिषद कहते हैं कि बाल हट के त्रिया हट, जब अपने मन में कोई भी चीज की धारणा कर ले चाहे भले ही प्राण चले जाए लेकिन अजमांगी जरूर, ये दो ही चीज है।
अब भोले बाबा ने मन में यह सोच लिया है कि यदि मैं इनसे अब मने करता हूं तो ये मेरी बात को मानेंगे नहीं। अब तो गोस्वामी देखिए तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या लिखा है, राजन परिसर गौर कर। सुई जो राम रच राखा को कर तर के बड़ा राखा और कोकर तरक बड़ा वही साखा। हे राजन परिषद भोले बाबा ने मन में यह जान लिया है कि अब तो वही होगा जो मेरे प्रभु को मंजूर है और मेरा तरक करने से कोई फायदा नहीं है। अस कहे लगे जपन हर नामा और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती जी भगवान प्रभु की आहा राम की परीक्षा लेने के लिए उस मार्ग पे खड़ी हो गई जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में आ रहे थे। अब राम की परीक्षा लेने के लिए है राजन परिषद ध्यान दीजिए। सती जी ने सीता जी का ही रूप धारण कर लिया। बोलो सती मैया की जय हो। सीता जी का रूप धारण कर लिया और उस मार्ग पे खड़ी हैं और भोले बाबा वहीं से देख रहे हैं कैलाश से। ध्यान दीजिए राम जी आ रहे हैं, भैया लक्ष्मण पीछे हैं। तभी हे राजन परिषद भगवान राम ने आगे बढ़ करके भैया लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण पता नहीं जनक नंदिनी कहाँ कैसी होगी। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम्हें उन्होंने अकेली त्याग करके मत आना, लेकिन तुमने भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोले भैया उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे भाभी जी ने मजबूर कर दिया था। यदि मुझे इस तरह का मजबूर नहीं किया होता तो मैं कदाचित उनको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही आप पिता हैं वो माता थी। तो यदि मैं उनका कहा ना करता तो अभी मेरे लिए बड़ा दुख था, और तुम्हारा कहा ना करता तो अभी मुझे और ही ज्यादा दुख है। तब लक्ष्मण जी ने लिखा आगे डाली है और कहा भैया देखो भाभी माता को हम बन बन खोज रहे हैं, वह तो सामने खड़ी है, देखो वो सामने। राम जी ने कहा लक्ष्मण हाँ वह तो मैं भी देख रहा हूं, पर तुम यहीं रुको, मैं अभी परिचय करता हूं कौन है। बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए हे राजन परिषद यहाँ राम जी को सब कुछ मालूम था, लेकिन अपने भाई को वहीं ठहरा दिया और कह दिया कि मैं देखता हूं तुम यहीं रुको। लक्ष्मण को भी बड़ा खेद हुआ इस बात कि भाभी माता सामने खड़ी हो मैं देख रहा हूं, और फिर भी भैया ये कह रहे हैं कि तुम यहीं खड़ो मैं देखता हूं। चलो राम जी आगे पहुंचे तो भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों
भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया पास पहुंच करके दोनों हाथ जोड़ करके, और भगवान राम ने माता कह करके उनको प्रणाम किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब सती जी को बड़ा खेद हुआ क्योंकि सीता जी को रूप धारण किए हैं और भगवान राम ने उनको पहचाना। उन्हें तीन बार प्रणाम किया माता कह करके। अब भोलेनाथ ये देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं कि हे सती, तुमने ये रूप धारण किया, ये बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। आज मेरे स्वामी ने, मेरे इष्ट देव ने तुमको माता कह दिया। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहन, मेरे भाई बहन। तो इस बात को सती जी को अपने ऊपर पश्चाताप हुआ, दुख हो गया। मन में सोचा है कि मैंने अपने पति से भेद छुपा करके इनकी परीक्षा लेना चाहा, लेकिन ये सचमुच इष्ट देव है। अब मैंने ये बहुत बड़ी भूल कर दी कि एक तो मैंने पति से भेद छुपाया और दूसरे मैंने सीता जी का रूप धारण किया है। अब शर्म तो शर्म ही होती है। सती जी ने कुछ जवाब नहीं दिया श्री राम को, ना ही तो बोली, नीचे गर्दन करके और पीछे को वो मुड़ के और चल दी वापस। ध्यान दीजिए, तो राम जी ने सोचा है कि शायद मेरे पहचानने पर माता को दुख हो गया। तो हे राजन परिषद, गौर कीजिएगा, भगवान राम जी आज सोचने लगे हैं के जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगत जनावा, राम सिया राम। सती देखी को दिख मग जाता, सती देखी को दिख मग जाता, आगे राम सहित से गाता, राम सिया राम। सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगत जनावा। भगवान राम ने जान लिया है कि मेरे पहचानने पर माता को दुख हो गया। सती जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग पर भगवान राम ने सती जी के लिए नाना प्रकार से अनेक रूप अपने दर्शाए, और जिनको सती देखती है तो और ही लज्जित शर्म आ जाती है, वो अपने को बड़ा कोसने लगी है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहन, मेरे भाई, भगवान राम तो वही मार्ग में खड़े अपने भैया के पास वापस गए। और इधर भोले बाबा सती जी लौट के मार्ग में आ रही है, जिन्हों पश्चाताप कर रही है, अपने ऊपर दुख कर रही है, जाहिर कर रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन भोले बाबा उनकी मन की बात जान करके और कैलाश को छोड़ करके उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब जैसे ही अपने पति को देखा, अब माता बहनों ये सोचिए कि एक तो किसी से भूल हो जाए, भूल हो जाए, भूल होने के पश्चात और फिर उनके पति ही सामने आ जाएं,
तो फिर वो नारी को कितना दुख होता है। अब सती जी जो मन में उन्होंने भेद छुपा करके अपने पति से चोरी करी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, अब तो सती जी को बड़ा खेद हो गया। बोले बाबा, बोले कहो सती, तुम्हारी नई नेठी मैं जानता था, मुझे मालूम था, लेकिन उस वक्त मैं रोकता तुम्हें तो तुम मेरी बात को मानती नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब यह बता दो मुझे कि मेरे प्रभु की आपने किस भेष से परीक्षा लिया। अब सती जी पे कोई जवाब नहीं था। गौर कीजिएगा, भोले बाबा कहते हैं सती जी, सती की ने सीता करी भेषा, निच्छबे और बहे मां विषाद विशेषा। सती की सीता कर भेषा, शिव और बहे विषाद विशेषा। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब तो सती जो तुमने किया है उसका किए का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा ने मन में विचार किया है राजन परिषद, जो अब करूं सती सन प्रीति, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटाई भगत पथो होई अनीति, राम सिया राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा ने अपने मन यही विचार किया, यदि अब मैं सती जी को अपनाता हूँ या इनसे स्नेह व प्रेम करता हूँ तो मैं पाप का भागी बनूंगा, दोषी बनूंगा। उसी क्षण वहीं पर सती जी का भोले बाबा ने मन से त्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे माता बहनों, ये श्री रामचरितमानस की कथा में ये आपके लिए बड़ी ही चेतना बड़ा उदाहरण है ये, कि कभी भी तुम्हारे मन शंका हो जाए किसी भी बात की घर परिवार में, और किसी के कहने से या किसी के कान भरे से वो अनजाने में और आप इतनी भूल कर बैठो, तो हे माता बहनों, हर नारी का यही कर्तव्य बनता है कि यदि किसी ने तुम्हारे अंदर विष भर दिया है कूट के, तो एक बार अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं अपने पति से न पूछो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बुजुर्गों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। अपने आप पर फैसला करके कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। माता बहनों, इसका बड़ा पश्चाताप होता है अनजाने में, ऐसा जब भूल हो जाती है तो फिर सती जी वही किया, सती जी ने भी वही तो किया था कि उन्हें ऐसा नहीं करना था, अपने स्वामी से भेद छुपा करके और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए वो भी सीता जी का रूप धारण करके पहुंची। हे राजन परिषद, सती जी जान गई है कि मेरे स्वामी ने मेरा मन से त्याग कर दिया। अब पति किसी नारी का त्याग कर दे, उसके लिए क्या होता है, एक नरक के समान बन जाता है। हे माता हो, कभी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। एक बार अपने घर में बुजुर्गों व पति से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, बड़े प्रेम से पूछ लेना चाहिए कि तुमने ऐसा किया। आज भोले बाबा लौट करके कैलाश पर पहुंचे और